हाय, मेरा नाम है स्नेहा सिंह एंड यू आर वाचिंग नेशनल रिपोर्ट। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ धीरज सर के लिए। क्या क्या तैयारी कर रहे हैं आप, कुछ अगर आप बता सके। तो तैयारी मतलब धीरज सर तो खुद इतने बिजी है, वो इतनी सारी चीजें कर रहे हैं एक साथ। उनका एक डेली सोप है, झलक दिखलाने कर रहे हैं उनका एक डेली सोप है और a new father also and he's also doing झलक दिखलाजा। तो उनके दिन के 24 घंटों में से मुझे वो 2 से 3 घंटा जो दे पाते हैं उसमें मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उनको पूरी तरह से तैयार करूँ। एंड ही इज़ अ कम्प्लीट नॉन डांसर, फॉर हिम इट्स अ रियल स्ट्रगल, क्योंकि हमको उनको 1 से लेके 8 तक हर चीज़ प्रॉपर बताना होता है। बट एब्सोल्युटली लविंग पर्सन, एब्सोल्युटली डेडिकेटेड, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है कि वो इतना थक के जब शूट वूट करके भी आते हैं वो एकदम फ्रेश रहते हैं और वो हर रिहर्सल में अपनी पूरी जान लगाते हैं। ओके, जैसे कि मतलब वो शो कर रहे हैं वहाँ पे तो 12 घंटा काम करना, और तब यहाँ पर दे पा रहे हैं, मतलब सही तरीके से मतलब काम हो पा रहा है कि नहीं, मतलब क्योंकि यहाँ पे तो सब फुल टाइम सब लोग हैं, यहाँ पर सब लोगों ने फुल टाइम दे दिया और धीरज सर पार्ट टाइम भी नहीं मतलब बस उनके 2 घंटे मिल जाते हैं ना मुझे दिन में, वो बहुत सही हो जाता है। बट आई एम एब्सोल्युटली सपोर्टिव ऑफ दैट बिकॉज इन दी एंड अब शो लिया है तो करना है। एंड जैसे आपने बोला कि बाकी सारे कंटेस्टेंट कोई 4 घंटा रेस कर रहा है, कोई 8 घंटा रेस कर रहा है, उनके पास इतना टाइम है, पर मुझे धीरज 2 से 3 घंटा करता है। बट वो 2 से 3 घंटे में ना हम लोग फुल यूटिलिटी करते हैं, हम बिल्कुल मस्ती मजाक नहीं करते, हम आते हैं रिहर्स करते हैं फुल ऑन, उनको सिखाते हैं और वो मोस्टली बहुत थके हुए रहते हैं। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि वो जो उतना टाइम जो मुझे मिले हम उसको बेस्ट यूज करें और उनको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करें। आप उनको शो पे देखोगे तो आई एम श्योर यू विल नो। ऑलरेडी फर्स्ट शो शूट हो चुका है तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या आपने तड़का लगाया फर्स्ट शो में? तो अब पहला एपिसोड हमारा शूट हो चुका है एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक हिम लुक, एक तो ऑलरेडी बहुत गुड लुकिंग है, तो टू मेक हिम लुक गुड इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, बट टू मेक हिम डांस इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रगल, पर हमने पूरी कोशिश की है। एंड मैंने उसको फर्स्ट राउंड में एक थोड़े कम्फर्ट जोन में रखा है क्योंकि वो ही इज़ लाइक द हीरो of television and he is like the SRK, so I've tried to keep him in his comfort zone, romance, hero qualities, so I have tried to keep him in his comfort zone and थोड़े बहुत चीज़ें ट्रायल एरर किए हमने। आप जब शो देखोगे तब आपको अच्छा लगेगा, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा एंड ही इज डेफिनेटली लुकिंग वेरी गुड एंड आई थिंक वी बोथ लुक गुड टुगेदर, तो बहुत मज़ा आने वाला है जब आप उनको देखो। ओके, डांस में क्या क्या नया वो सीख रहे हैं, मतलब आप तो सब सिखाना चाहते ही रहेगी कि ये करो ये करो, वो कौन से अच्छे कर पा रहे तो वैसे डांस मैं तो उनको हर चीज़ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो जितना ग्रास्प कर पा रहे हैं वो अपनी पूरी मेहनत लगा तो रहे हैं, पर फॉर्म वाइज मतलब अब मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, बस कैसे बताओ यार डांस को लेकर कौन से फॉर्म सीख रहे हो वो बता दीजिए। आप सिखा रही रहेंगे ना तो अलग अलग फॉर्म, वो बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा ये हार्ड लग रहा है ये कर लेते, अब वो तो एक्टर है आप तो समझ रहे। देखा जाए तो देखो मैं खुद एक लैटिन ट्रेन डांसर हूँ, तो मैं उनको बहुत कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत सालसा सिखाऊँ, बचाटा सिखाऊँ, पर उनके लिए वो रिदम समझना, वो काउंट समझना बहुत मुश्किल है। आई थिंक व्हाट कम्स नेचुरली टू हिम इज डेफिनेटली बॉलीवुड। अगर उनको मैं बस बोलूँ कि आप बस गाना गाओ और फील करो, वो एकदम हीरो की तरह झुकाते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, उसमें उनका कोई तोड़ नहीं। तो उनका यहाँ से यहाँ सुपर, पर वो अपने लेग्स भूल जाते हैं और अपनी लोअर बॉडी भूल जाते हैं कि लोअर बॉडी भी मूव करनी है। तो आई थिंक दैट्स माय मेजर स्ट्रगल कि हम ये तो अच्छा दिखाएंगे पर हम उससे नीचे की पार्ट्स को भी और अच्छा दिखाएंगे। ओके, आप सबसे ज़्यादा किसको मतलब परफॉर्म से सबको खुश करने वाले, करण, माधुरी और नौरा, किसको है आपका मतलब हाँ मेरा डांस ये देख के वाला तालियां बजा दे? यार ये शो में तो हम तो हर देखिए थोड़ा तो होगा ना कि हाँ मेरी ये फेवरेट है माधुरी होगी या नौरा होगी या करण को अगर आपने माय पर्सनल फेवरेट इज माधुरी मैम ऑफ कोर्स,
बट आई हैव अ फीलिंग करण सर को धीरज सर बहुत अच्छे लगेंगे एंड ही वुड लव टू वॉच हिम डांस. ओके आगे में अपने फैन से क्या कहना, मतलब धीरज के फैन से क्या कहना चाहेगा? मैं धीरज के फैन से बस ये कहना चाहूंगी दैट यू गाइस डोंट नो, आपको एक ट्रीट मिलने वाला है जब आप शो पे धीरज को देखेंगे, बिकॉज़ आई डोंट थिंक आपने उनको कभी इस तरीके से डांस करते हुए देखा रहेगा जैसे वो मेरे साथ दिखने वाले हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी टू शोकेस हिम एंड I'm looking forward for you guys to see कि हम शो पे क्या क्या करने वाले हैं. आप जितने excited हो धीरज को देखने के लिए, मैं उतनी excited हूँ उनकी journey और उनको आगे ले जाने में. And I hope उनके साथ साथ आप मुझे भी उतना ही पसंद करें. Thank you ma'am.